नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। मेरे पीछे आप एक रावण देख रहे हैं। जी हाँ, आज दशहरे का दिन है। रावण किले में जलने के लिए तैयार है। रीवा के राजघराने के, या यूं कहें रीवा के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा किला परिसर में रावण को जलाया जाएगा। कोरोना काल चल रहा है, हम आपको आज दशहरे की पल पल की खबरें दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे गद्दी पूजन किस तरीके से होता है, यहाँ पर किस तरीके से दशहरा मनाया जाता रहा है, सारी परंपराओं का किस तरीके से निर्वहन होता है। उसके बाद आइए आपको सबसे पहले सुनाते हैं अलका तिवारी सीओ किला ने हमें क्या कुछ दशहरे को लेकर बताया। दशहरे का पावन पर्व जो है किले में मनाया जा रहा है और ये पहला इतिहास है। कोरोना देश में बहुत, पूरे विश्व में बहुत सारे इतिहास रच रहा है। रीवा में भी एक इतिहास रच रहा है कि पहली बार रावण किला के अंदर दहन हो रहे हैं, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, पूरी कड़ाई के साथ, बहुत लिमिटेड लोगों के साथ हम ये दशहरा का उत्सव मनाने जा रहे हैं और पूरी आशा है कि सफल कार्यक्रम होगा। आप यहाँ सीओ हैं जी, इतिहास के बारे में, इतिहास के पन्नों पर जरा थोड़ा सा नज़र डालिए और हमारे दर्शकों को बताइए। जी मैं आपको अगर इतिहास की बात कहूँ तो अगर रामायण से इस क्षेत्र को जोड़ूँ तो ऐसा माना जाता है कि ये जो क्षेत्र है, ये भगवान राम ने जब लक्ष्मण को अपने आप से दूर किया तो उन्होंने लक्ष्मण को ये क्षेत्र दिया, इसीलिए इस गद्दी को बांधव गद्दी कहा जाता है। बांधव मतलब बंधु, मतलब लक्ष्मण। तो 13वीं शताब्दी में ये वंश जो है वो बांधवगढ़ में आया। बांधवगढ़ के बाद 17वीं शताब्दी के शुरुआत में रीवा में आए और जब से रीवा में आए तब से रीवा में परंपरा ये चल रही है। विशेष ये है कि आज तक कभी भी कोई महाराज राजगद्दी पे नहीं बैठे, राजगद्दी पे हमेशा भगवान बैठते हैं। भगवान विष्णु मतलब राजाधिराज, राजाधिराज अर्थात जो गद्दी के मालिक हैं, जो राज्य के मालिक हैं वो बैठते हैं और महाराज स्वयं जमीन पर बैठकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। दशहरे के दिन हमेशा तो जुलूस निकलता था, इस बार जुलूस नहीं होगा, सिर्फ राजाधिराज भगवान किले के सामने से और स्कूल ग्राउंड तक चले जाएंगे और वहीं पर रावण दहन होगा। अभी आप अलका तिवारी को सुन रहे थे, आइए दिखाते हैं गद्दी पूजन, किले में गद्दी पूजन किस तरीके से होता। जैसा कि आपने बताया, कभी भी यहाँ रीवा बांधव राजा गद्दी में नहीं बैठे, वो हमेशा गद्दी को पूजते आए थे। जैसा कि आपने बताया, रामचंद्र जी ने जब लक्ष्मण को अलग किया था तो उन्हें बांधवगढ़ दिया था, इसीलिए बांधव मतलब भाई, ऐसा उनका कुछ कहना था। आप गद्दी पूजन देखिए। वैष्णव हरिवा पर्व पूर्ण श्रेण
दीपं दर्शयामि चंद्रमा मनसोर्यासचोर्य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 ोर्
दिखाते हैं इंद्र, यहाँ साथ साथ कर दी जोड़ा पकड़ लेती, छोड़ती नहीं है वो। चेहरे को लेकर जिस तरीके से दशहरा मनाया गया और जिस तरीके से यहाँ पर आज मनाया जा रहा है, उसको लेकर हम सीधे बात करते हैं महाराज रीवा पुष्पराज सिंह जी से और जानते हैं क्या है कुछ खास इस दशहरे में। आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस समय जो छतरी देख रहे हैं, आज से ठीक 75 साल 9 दिन पहले इस छतरी ने एक इतिहास रचा था और एक इतिहास आज फिर रचने जा रहा। वो इतिहास क्या था और आज के इतिहास के बारे में मैं आप बता दूं, जिस तरीके से कोरोना काल में आज दशहरा मनाया जा रहा है, रीवा रियासत ने इस तरीके से कभी भी दशहरा नहीं मनाया था। छतरी और आज के इतिहास के बारे में हमारे साथ स्वयं महाराज मौजूद हैं, हम उन्हीं से पूछेंगे। सारी बात तो आपने कह दी, मैं तो कहूँगा कि न भूतो न भविष्यति, पहले भी कभी नहीं हुआ और भगवान महामृत्युंजय चाहे कि इसके बाद भी न हो। हम लोग जिस प्रकार से हमेशा मनाते थे उसी प्रकार से मनाएं। छतरी का एक इतिहास है, इसी जगह पर खड़े होकर जो सामने जिनकी मूर्ति देख रहे हैं स्वर्गीय महाराज गुलाब सिंह जी ने 1945 में आज़ादी की घोषणा करी और रीवा को उत्तरदायित्व शासन दिया। ये हम लोगों के लिए और इस वंश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति के लिए मैं मानता हूँ कि ये गर्व का विषय रहेगा कि जब इतिहास में हम लोग 1947 की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि हम 45 में आज़ाद हुए। कोरोना काल चल रहा है, दो बार कोरोना पर विजय हासिल करने वाले रीवा युवराज दिव्यराज सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। रीवा की जनता के लिए उनका क्या कुछ संदेश है? मैं समस्त राज परिवार की तरफ से अपने रीवा रेवांचल के सभी जनता जनार्दन को दशहरा की, नवरात्रि की और आने वाली दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि आज जो रावण का दहन हो रहा है उसमें हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसका भी दहन हो और जो ये 2020 में कोरोना काल भी आया है वो भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि रावण के साथ साथ कोरोना का भी यहाँ दहन हो जाए। अभी आप देख रहे थे दशहरा, जी हाँ, रीवा के दशहरे में इस साल 2020 में क्या कुछ खास रहा, निश्चित रूप से बहुत सारी ऐसी बातें जो न कभी हुई थी न जिस तरीके से दशहरा इस बार मनाया जा रहा, कोई नहीं चाहेगा कि भविष्य में इस तरीके से दशहरा मनाया जाए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत, नमस्कार।